अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? वेलकम टू माय चैनल एनीशा रिएक्ट्स। और जी आप लोग, उम्मीद है कि बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली 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 टाइगर जो है 3 का ट्रेलर आ चुका है, उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जवान के बाद ना था कि यार सलमान भाई कैसे खामोश रह सकते हैं, ठीक है? तो जी अब उनका जो पूरा काम है वो खुद बोलेगा, क्योंकि सलमान के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, हम भी बहुत ज़्यादा हैं इस फिल्म को लेकर, ठीक है? तो जल्दी से इसका देख लेते हैं ट्रेलर। ये जी स्पाई वर्ल्ड के अंदर एक जबरदस्त किस्म का जो है ब्लास्ट होगा, और टाइगर टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान उससे ये जी सारा सीन जो है चलेगा, वो जो इवेंट्स है उसको ये फॉलो करेगा ये जो फिल्म है। और कैटरीना कैफ है इसके अंदर, और सबसे मेन जो चीज़ मुझे लगी ना एक्साइटमेंट जब मैंने देखा इसको, उसमें जो एक नाम डाला हुआ है इमरान हाशमी का, यार इनका जो डायरेक्टर है ना वो सबसे बड़ा जो ब्लास्ट करते हैं ना वो ये करते हैं कि जो विलन हैं, जैसे कि पठान के अंदर जॉन इब्राहिम थे, और उन्होंने जो है शाहरुख खान के टक्कर के सीन था उस वक्त, और जब तक विलन जो है पावरफुल ना होना फिल्म नहीं उठ सकती, ठीक है? जब जाहिर सी बात है, जब टाइगर की बात आ रही तो वो मुर्गियों का शिकार तो नहीं करेंगे ना, वो उसका शिकार करेंगे जो उसके स्टैंडर्ड का होगा। तो इसके अंदर इमरान हाशमी जो है ना वो विलेन का रोल जो है कर रहे हैं, और इमरान मुझे वैसे भी बहुत पसंद है आप सबको, और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और इसमें देखना ये है कि उनका लुक क्या है। बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ इसको शेयर करने के लिए। और दूसरी बात, सलमान भाई के जो लुक्स होते हैं ना, मतलब 6 साल हो गए पिछली फिल्म को, लेकिन अभी तक हम उनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ये ट्रेलर कितना पावरफुल है कि हम लोगों को जुड़ेगा कि नहीं फिल्म के साथ, ठीक है? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। यूनिवर्स, देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है? बस एक आदमी का। ओ, क्या एंट्री है यार सलमान भाई, क्या सीन है भाई, रोंगटे खड़े हो गए। ओ हर बंदे की लाइफ की सबसे कीमती अमानत उसकी फैमिली होती है। यस। बीवी का प्यार, कैटरीना, बच्चे की खुशी। ओह। तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर। ओह। अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर, तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। I need you for a mission. Raw ke liye nahi, personal hai. Reporting for duty, sir. Personal hai mission. खेल हाथों का नहीं, दिमाग का है। Oh. अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। Oh, oh. This time. It's personal. आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। ओहो सलमान भाई, वाओ। क्या बात है यार टाइगर, गद्दारी से बदतर मौत नहीं होती एक एजेंट के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। इमरान भाई भी सच जा रहे भाई। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। यार ये क्या था भाई, क्या ट्रेलर है यार, क्या मतलब गूज़बम्प्स, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, आई मीन सलमान भाई ने क्या धमाल मचाया है, क्या उनका लुक है यार, मतलब
अल्फाज नहीं मिल रहे इसको देखकर। एक ट्रेलर जो होता है ना उसको वो मतलब कि एक पार्सल होता है यार कि इसके अंदर कौन सा बॉम्ब रखा हुआ है, देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यार ये इसके अंदर क्या होगा। और मैं आपको सच कह रही हूँ कि आई मीन दिस इज टू मच, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा इंडस्ट्री के लिए और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म जाने वाली है। दूसरी बात कि सबसे मेन चीज़ कि ये जो मिशन है ये पर्सनल है, ये चीज़ ने ना इसके ऊपर इतनी पावर डाली है ना कि स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक वजन होने वाला है, बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। और जो है कैटरीना के एक्शंस और वो जो टॉवल सीन था, वाओ यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये जो है ट्रेलर था। और सलमान भाई के जो एक्शंस थे, जिस तरह उन्होंने रुमाल ऊपर किया और एक एक एक्शन जैसे उन्होंने स्टार्टिंग हुई है ना यार, ट्रेलर नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा निकाला है भाई। देख के बंदा कह रहा है कि यार होगा क्या इसके अंदर। अच्छा जो उनके आगे जो मिशन रखा है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो क्या है कि फैमिली और देश दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान इसको छोड़ नहीं सकता, स्किप नहीं कर सकता। और सलमान के आगे यानी कि टाइगर के आगे इतना बड़ा टास्क है, और आप ये सोचें कि जो विलन है, ओ माई गॉड ज़बरदस्त, इमरान मतलब एक अलग ही लुक में है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी दाढ़ी रखी हुई है, ये लोग उन पर बहुत सूट कर रहा है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने भी शायद जो है नोटिस की हो कि सलमान के हिसाब से उन्होंने जो है ना ये विलन देखा है, तो इमरान वाकई फिल्म को उठा लेते हैं और विलन पावरफुल होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा है। तो कैटरीना का काम और जिस तरह उनकी शादी का सीन आ रहा था और जिस तरह उनके बच्चे के साथ वो एक सीन आ रहा था, तो फुल ऑन फिल्म होने वाली है फैमिली के ऊपर और जी देश के ऊपर और एक सोल्जर के ऊपर जिसके ऊपर कितनी पावर है और वो क्या सोचता है। नवंबर को भी आने वाली है और जो है डंकी भी मेरा ख्याल है कि आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सलमान भाई और जो है शाहरुख के अंदर क्या होने वाला है, या दोनों ही एक साथ जाएंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के जो है कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और जी ट्रेलर को लेके आप लोग कितने एक्साइटेड है बताइएगा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल पर बरसाते रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।